हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का आपको डोरमेट सिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कतरन लिया है और आप पुरानी साड़ी और चुन्नी या सलवार सूट कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। देखिए मैंने ये कतरन लिया है जिसको आप फेंकी दोगे तो इससे हम इस तरह का डोरमेट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी एक किनारी इस तरह से पकड़ लेंगे और देखिए इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फोल्ड करेंगे और अब देखिए यहाँ से एक बार हम और फोल्ड कर लेंगे और देखिए एक बार अपने हिसाब से। आप अगर इससे थोड़े छोटे फूल बनाना चाहते हैं तो थोड़े छोटे बना लें, और नहीं तो ये इतने बड़े बड़े देखिए अंदाज से मैंने ये इस तरह से पकड़ के, और अब इसको देखिए थोड़ा और छोटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह के हम देखिए ये मैंने फूल बनाए हुए हैं। इस तरह से मैंने ये गोल काट के रखे हुए हैं सारे। अब देखिए इनको हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी कतरन का एक टुकड़ा लिया था और उससे मैंने ये चौकोर काट लिया है। देखिए आप अगर पैरों के हिसाब से अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बड़ा काट लें ये कपड़ा। देखिए मैंने ये थोड़ा छोटा ही काटा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए, और ये देखिए ये मैंने एक लिया और यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। इसको आप बिना सिलाई मशीन के ही बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको टांग दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, फिर देखिए अब इसमें हम दूसरा कलर इस तरह से इसी के ऊपर से इस तरह से रख लेंगे। अब देखिए इसको नीचे से इस तरह से पकड़ के और नीचे से ही हम इसमें देखिए यहाँ पे ये टांका लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम टांके लगाएंगे इसमें। अब देखिए यहीं से सुई को हम थोड़ा आगे निकाल लेंगे और यहीं से छोटा सा टांका मार के एक बार हम सुई को आगे और निकाल लेंगे ताकि आपको ये धागा बार बार काटना ना पड़े। देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस तरह से दूसरा एक और ये रखेंगे। देखिए यहीं से हम इस तरह से इसको भी जोड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे टांके लगाएंगे ताकि ये कम समझ में आए। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने ये तीन जोड़ लिए हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इस कलर को इस तरह से रखेंगे और फिर इसको रखेंगे और फिर हम इसको रखेंगे। ये देखिए, और देखिए यहाँ से इसको यहाँ से रख लेंगे इस तरह से और ऐसे। अब देखिए इन सभी को हम जोड़ देंगे जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से हम इसको मिला के इनमें और इनको जोड़ेंगे। उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से लगता है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बिना सिलाई मशीन के ही ये देखिए कितना सुंदर पैरदान बना लिया है और आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।